स्वागत है उन सभी का जो हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक के बारे में। जी हाँ, जिसका कि एप्लीकेशन फॉर्म डेट जो है वो रिलीज कर दिया गया है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि इस फॉर्म को कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता दूं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है वो है 10th पास। जितने भी स्टूडेंट जो है वो 10th पास हो चुके हैं वो जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस साल जो है 2022 की जो एप्लीकेशन फॉर्म आई है वो कब से इसकी स्टार्टिंग डेट रखी गई है। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 9 मई से है। जी हाँ, आप इस फॉर्म को जो है वो 9 मई से आप इस फॉर्म की अप्लाई कर सकते हो। वो भी आपको ऑनलाइन करना है। कैसे करना है? तो JCCB की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, वहाँ से जो है वो आपको लिंक मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने का, वहाँ से आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपका 19 मई रखा गया है। जी हाँ, बहुत सारा टाइम दिया गया आपको, करीब 10 दिन का टाइम दिया गया है। तो 19 मई तक जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो फिर से एक बार जो है इसकी डेट्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट्स है वो 9 मई से लेके इसकी लास्ट डेट 19 मई तक है। इसके बीच में जो ही जो है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए और क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया होती है। तो अगर आप जो है पॉलिटेक्निक में अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग करना चाहते हो, माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच से जो है आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 17 साल हो जानी चाहिए। वो जो है वो आपका जो है वो जुलाई तक जो है वो 17 साल हो जाना चाहिए, तभी जाके आप जो है वो पॉलिटेक्निक में माइनिंग इंजीनियरिंग कर सकते हो, नहीं तो आप माइनिंग इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। बाकी सभी ब्रांचेस के लिए क्या एज है, तो इनके लिए कोई मिनिमम एज नहीं है। आप जो है वो आराम से बाकी सभी ब्रांचेस में कर सकते हो, चाहे वो आपका मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग हो, या तो फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, मेटलर्जी हो, किसी भी कोई भी ब्रांच से जो है वो आप कर सकते हो, ठीक ना। तो ये थी इसकी एज लिमिट। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो है वो मिनिमम परसेंटेज क्या होनी चाहिए 10th में। तो आपका जो है वो 35% होना चाहिए। 35% जो है वो आपका कम से कम मैट्रिक में आना चाहिए, ज़्यादा जितना भी आप ला सकते हो, ठीक ना। तो ये थी इसकी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया। और एज बता दिया, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया बता दी, मैंने डेट्स बता दी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो आप। तो ये थी झारखंड पॉलिटेक्निक के बारे में, ठीक ना। अब बात करते हैं कि एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगी, काउंसलिंग कैसे होने वाली है, सारा कुछ जो है इस चैनल में डिटेल्स में बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि शॉर्ट वीडियो में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँच सके कम समय में, यही हमारी मकसद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर जाइए और कमेंट में आप हमें पूछ सकते हो, वहाँ पे हम जो है वो आपको जवाब देंगे आपकी किसी भी क्वेश्चन का।